बिहार के चर्चित तेजाब कांड गोपालगंज की कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 10 मानवेंद्र मिश्रा की कोर्ट ने 3 अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा व 1.5 लाख रुपए का जुर्माने का फैसला सुनाया है। सजा पाने वाले अभियुक्तों में शंभु भगत, सुदामा भगत एवं शांति देवी शामिल है। पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता राकेश शर्मा ने बताया कि नगर थाना के अमुआ गांव में 9 जून 2021 को महज 13 कट्ठा जमीन के लिए तेजाब कांड हुआ था। तेजाब कांड में एक ही परिवार के 3 लोग झुलस गए थे। बच्चे के भी तेजाब से नहलाया गया था। जघन्य अपराध को देखते हुए कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही सरकार को पीड़ित के लिए सुनिश्चित व्यवस्था करने का आदेश भी दिया गया है। थाना के अमुआ मौजम गांव में वर्ष 2021 में एक जघन्य तेजाब कांड हुआ था, जिसमें कि अपराधियों ने, जो बाद में अभियुक्त हैं, उसने जो है 4-4 लोगों को, एक उज्जवल कुमार बच्चा है जो 93% जल गया है और अपने माँ बाप का इकलौता संतान है, और इस बात के सूचक श्री राम राय थे उनके ऊपर, और एक लड़का जो उनके छोटे भाई का है आयुष्मान राय, उसके ऊपर 4 आदमियों को, एक आदमी तो बहुत कम जले थे लेकिन 3 आदमी बुरी तरह से जले थे, और 6 अभियुक्तियों ने उनको जो है बेरहमी से उनके ऊपर एक सुनियोजित प्लान के तहत, जब वे लोग अपने खेत में आए और अपना खेत साफ कर रहे थे, उस समय जो है घर में बाहर से जो पहले से प्लानिंग के तहत तेजाब ला के रखे थे, और उन लोगों को आते ही उनके ऊपर उलेरना शुरू कर दिया और वे लोग जलने लगे। स्थिति इतनी भयावह हो गई कि वहाँ अगल बगल के लोग तेजाब के डर से छुड़ाने भी नहीं जा पा रहे थे। उस स्थिति में काफ़ी हल्ला पर जो है, रोले चिनाले पर जो है, अभियुक्त वहाँ से भागे और उन लोगों को लेकर के सदर अस्पताल गोपालगंज लाया गया, जहाँ से चिकित्सकों ने उन्हें जो है गोरखपुर BID मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया, और वहाँ से भी एक बच्चे जो उज्जवल कुमार है उसकी जो है चिकित्सा, उच्च चिकित्सा के लिए वहाँ से लखनऊ रेफर किया गया, और लखनऊ से वो दिल्ली गया, और दिल्ली सफदरगंज अस्पताल से लेकर के एम्स, उसके बाद से तमिलनाडु चेन्नई में उसकी इलाज हुई, लेकिन उस इलाज के बावजूद भी वह लड़का आज तक ठीक नहीं हुआ है, और वह पूरी तरह से 93% विकलांग हो गया। उस केस का ट्रायल श्रीमान ADJ 10 साहब श्री मानवेंद्र मिश्रा के न्यायालय में चल रहा था, जिसमें हम लोग सूचक के अधिवक्ता हैं, सूचक के ओर से पैरवी किए थे तथा बहस किए थे। आज उस बहुचर्चित केस में फैसला हुआ है और अभियुक्त दोषी पाए गए, और दोषी पाने के पश्चात बाद में एक धारा 326 में अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा और 1 लाख रुपया मुआवजा, तथा भादवी की धारा 307 के तहत 10 वर्ष की सजा और 50,000 रुपया मुआवजा हुआ है। इस जजमेंट में न्यायालय के द्वारा जो सबसे बड़ी बात हुई है, वह यह बात है कि न्यायालय ने पीड़ित की गंभीरता को देखते हुए सरकार को डायरेक्ट किया है कि सरकार उस बच्चे को, पीड़ित बच्चे को, जिसके की इलाज में अभी तक करोड़ों रुपया खर्च हो चुका है, जो ठीक नहीं हुआ है, बिहार सरकार को डायरेक्ट किया है, निर्देशित किया है कि सरकार अपने माध्यम से बच्चे का समुचित इलाज कराए। यही आज का जजमेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यायालय के इस फैसले से पीड़ित परिवार के लोग भी काफ़ी खुश हैं। इस फैसले को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 10 मानवेंद्र मिश्रा की कोर्ट ने यह सजा सुनाई है। खबर YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, Facebook पर तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। अत्याधुनिक बिल्डिंग सिस्टम, जहां पर मिलता है UPVC डोर एंड विंडो, स्लिम सिस्टम एल्युमिनियम, मॉड्यूलर किचन एंड वार्डरोब, स्मार्ट क्लासेस रूम एंड ऑफिस ऑटोमेशन, ग्लास रेलिंग, आर्टिफिशियल ग्रास एंड फ्लावर्स, PVC पैनल, WPC लोअर्स एंड डेकोरेटिव सीट, कॉरपोरेट ऑफिस, स्कूल एंड हॉस्पिटल फर्नीचर, वुडन PVC कारपेट एंड 3D फ्लोरिंग, काफ किचन एप्रियंस, फैब्रिक ग्लास और स्ट्रेच सेलिंग। अगर आपको ये सब लेना हो तो जाना होगा गोपालगंज के जंगलिया मोड़ के पास रेमंड शोरूम के ऊपर फर्स्ट फ्लोर। ये सभी मटेरियल उचित दामों में उपलब्ध है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।